चंडीगढ़ के सकल जैन समाज ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आए हुए जैन समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने वाले नागरिक संशोधन एक्ट का स्वागत किया है। कैलाश चंद जैन के नेतृत्व में जैन समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने वीरवार को यहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन से मिलकर उन्हें उक्त आशय के पत्र सौंपे व संपूर्ण जैन समाज की भावनाओं से अवगत करवाया। जैन महासंघ ट्राई सिटी श्री दिगंबर जैन सोसाइटी सेक्टर 27, श्री एसएस जैन सभा सेक्टर 18, श्री आत्मानंद जैन सभा सेक्टर 28, श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ सभा सेक्टर 24, जैन मिलन चंडीगढ़ व अहिंसा सेवा समिति आदि संस्थाओं की तरफ से इस विधेयक का स्वागत किया गया। प्रतिनिधि मंडल में कैलाश जैन के अलावा धर्म बहादुर जैन, करुण कुमार जैन, दामोदर दास जैन, सुरेश कुमार जैन, संजय जैन, विकास जैन, सुशील जैन, अजय जैन, अनिल जैन आदि समाज के प्रमुख अग्रणी शामिल थे। जैन समाज की ओर से आज यहाँ जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि सकल जैन समाज इस कानून के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह व भाजपा शासित केंद्र सरकार का धन्यवाद करता है। प्रधान जी नमस्कार। आज हम जैन समाज के विभिन्न संस्थाएं श्री एसएस जैन सभा रजिस्टर्ड सेक्टर 18 चंडीगढ़, श्री दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 27 भी चंडीगढ़, श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड सेक्टर 28 चंडीगढ़, श्री श्वेतांबर जैन तेरा पंथी सभा सेक्टर 24 चंडीगढ़, जैन महासंघ ट्राई सिटी, जैन मिलन चंडीगढ़ और अहिंसा चैरिटेबल सेवा समिति की विभिन्न जैन संस्थाएं आज जो केंद्र सरकार द्वारा एक नागरिक संशोधन बिल जो पास किया गया है उसके समर्थन में हम अपना समर्थन देने के लिए यहाँ आए हैं और प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हैं जिनके रहते ये बिल पास हुआ, जिसके तहत अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी जिनमें जैन समाज के भी कुछ लोग शामिल हैं को केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान करने वाले विधेयक नागरिक संशोधन एक्ट को लागू करने के लिए सभी जैन समाज चंडीगढ़ की सभी संस्थाएं श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस विधेयक से जो जैन धर्म के जो शरणार्थी इन देशों से आए हुए हैं उनको नागरिकता प्रदान करने का रास्ता खुलेगा और वे भी अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकेंगे, ऐसी आशा है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी का और खास तौर से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का जिन्होंने ये सब संभव करके दिखाया। इसके साथ साथ जैन समाज की तरफ से भी हम ये भी अपील करते हैं कि इस बिल के बारे में जो भी गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पे लोग ध्यान ना दें और इस जो बिल को, इस एक्ट को बड़े अच्छे ढंग से और पॉजिटिव वे में इस एक्ट को लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश की ओर से सारे जैन समाज का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये इस कार्य को अपना कार्य समझकर आज हमारे कार्यालय में आए हैं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने अपने जो संघ के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से इस चीज की जो धारणा कुछ लोग इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की जो कोशिश कर रहे हैं आप उनको भी समझाने का प्रयत्न करें। ये जो विधेयक है कोई देश के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, ये देश के कोई भी जो माइनॉरिटी वाला व्यक्ति है उसके विरुद्ध नहीं है। ये जो अल्पसंख्यक जो दूसरे तीन देशों से, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, जो उसमें जो अल्पसंख्यक हैं जिनको उत्पीड़न जो है सेना पड़ रहा है पिछले 70 सालों से, उनको यहाँ पर बसाने के लिए,
लोग इसको लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, आप भी उसके अंदर जो है लोगों को समझाने का प्रयास करें। मैं पुनः एक बार अपनी पार्टी की ओर से और हमारे सब साथियों की ओर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।